अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं तारीख़ इस्लाम का। और इस चैप्टर में हम सलेबी जंगों के बारे में तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। फ़लस्तीन और बैतुल मुकद्दस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फ़तह हो गया था। मुसलमानों ने इस अर्ज़ मुकद्दस का एहतराम मलहूज़ ख़ातिर रखा था। ना कोई कत्ले आम हुआ था और ना लोगों को ग़ुलाम बनाया गया था, बल्कि एक मुआहदा के तहत शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया गया था। ताहम 11वीं सदी के आखिर पर यूरोप के मुआशरती और सियासी इंतशार ने यका यक मजहबी दीवानगी का रूप धारा और यरूशलम को आज़ाद कराने के लिए यूरोपी ईसाइयों ने सलीब के साथ दुनिया इस्लाम पर हमला कर दिया। यूरोपी जो हिस्टोरियंस हैं, मौर्रखीन, इन लड़ाइयों का ज़माना 11वीं सदी के इख्तिताम से 16वीं सदी के इख्तिताम तक शुमार करते हैं। यानी वो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान हर तसादुम को सलेबी जंग करार देते हैं। ताहम तारीखी नुक्ते नज़र से सिर्फ इन जंगों को सलेबी करार दिया जाना चाहिए जो सलीब के नाम पर लड़ी गई थी। इनका आगाज़ 1095 ईस्वी से होता है और 1290 ईस्वी में आखिरी सलेबी जंग लड़ी गई। इस चैप्टर में जितनी भी सलेबी जंगें थीं उनकी तफसील बयान की गई है। तो पहली सलेबी जंग 1095 ईस्वी से 1142 ईस्वी तक लड़ी गई। दूसरी सलेबी जंग 1142 ईस्वी से 1148। तीसरी सलेबी जंग 1187 ईस्वी से 1192 ईस्वी। चौथी सलेबी जंग 1195 ईस्वी से लेके 1198 ईस्वी तक लड़ी गई। पांचवी सलेबी जंग 1202 ईस्वी में। छठी सलेबी जंग 1215 ईस्वी में। और सातवीं सलेबी जंग 1242 से लेकर 1245 तक लड़ी गई। और इसके बाद फिर आठवीं सलेबी जंग जो है वो 1255 ईस्वी से लेकर 1270 ईस्वी तक। और नवीं सलेबी जंग 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक लड़ी गई। तो आज का जो आपका लेक्चर है, टॉपिक है, उसमें हमने सलेबी जंगों के असबाब तफसीलन जानने हैं, उनको डिस्कस करना है। तो इसमें इनको फर्दर सब कैटेगराइज़ किया गया है। इसके बहुत सारे जो रिलीजियस कॉजेस थे, इसी तरह से पॉलिटिकल कॉजेस थे, इसके सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेस थे। तो ये आज हम वन बाय वन सारे जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने मजहबी इसबाब जो है वो देखने हैं कि सलेबी जंगों के मजहबी इसबाब क्या थे। तो बैतुल मुकद्दस वापस लेने की जो ख्वाहिश थी, ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज था सलेबी जंगों का। फ़लस्तीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जाए पैदाइश था, इसलिए ईसाइयों के लिए मुकद्दस और मुतबरक मकाम था और इनके लिए ज़्यारत गाह था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना से वो इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल था और बड़े बड़े अम्बिया के मकबरे यहाँ पर मौजूद थे। इसलिए बैतुल मुकद्दस का शहर और ज़मीन इनके लिए ईसाइयों से कहीं ज़्यादा मुतबरक और मुकद्दस थी। ईसाई ज़ियारत के लिए यहाँ आते तो मुस्लिम हुकूमतें इन्हें हर तरह की सहूलतें बहम पहुँचाती। इनके गर्जे और खानकाएँ हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद थे। हुकूमत ने इन्हें आला मनासिब पर फाइज कर रखा था। लेकिन खिलाफत इस्लामिया के जवाल और इंतशार के दौर में इन ज़ायरीन ने इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिशें की। इनकी तंग नज़री और तासुब की बदौलत मुसलमानों और ईसाइयों में छोटी छोटी झड़पें होना शुरू हो गई। ये जाहिल और मुतासब ज़ायरीन जब आप वापस जाते तो मुसलमानों की ज़्यादतियों की फ़र्जी कहानियाँ सुनाते और अहल यूरोप के मजहबी जज्बात को भड़काते।
यूरोप के ईसाई पहले ही मुसलमानों के खिलाफ थे। इन हालात में इनके अंदर नफ़रत और हकारत के जज्बात ने मज़ीद तकवीत पाई। चुनाचे 10वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप की जो ईसाई सल्तनतें थीं, इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लिस्तान वगैरह, वहाँ पे सरजमीन फ़लस्तीन की दोबारा तस्खीर का मंसूबा बनाया गया ताकि इसे एक बार फिर ईसाई ममलकत में तब्दील किया जा सके। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की अफवाह जो थी वो भी गर्दिश में थी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी। इस दौरान सारे यूरोप में एक अफवाह ख्वासो आम में बेहद मकबूल हो गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में नज़ूल फरमा कर ईसाइयों के तमाम मसाइब का खात्मा करेंगे। लेकिन इनका नज़ूल उसी वक्त होगा जब यरूशलम का मुकद्दस शहर मुसलमानों के कब्ज़ा से आज़ाद करा लिया जाएगा। इस अफवाह ने ईसाइयों के मज़हबी जोश में बेपनाह इजाफा किया। जहाद मुकद्दस गुनाहों का कफ़ारा है, ये भी एक वजह थी कि ये सलेबी जंगें जो थीं वो लड़ी गई। ईसाई मजहबी रहनुमाओं के ज़ेर असर ईसाई अवाम का ये अकीदा था कि अगर कोई चोर, बदमाश और बद किरदार भी बैतुलमक़दस की ज़्यारत करके आएगा तो वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। चुनाचे इंतहाई बद किरदार लोग भी ज़ायरीन की सूरत में बैतुलमक़दस आना शुरू हो गए। शहर में दाखिल होते वक्त वो नाचते, बाजे बजाते और शोरो गोल करते हुए अपनी बरतरी का इजहार करते और खुलेआम शराब नोशी के मुर्तकिब होते। ज़ायरीन की इन नाज़ेबा हरकात और इनकी सियाहकारियों, बदनज़मी और अमन सोज सरगर्मियों की वजह से इन पर कुछ इखलाकी पाबंदियाँ लगाना ज़रूरी हो गई। इन ज़ायरीन ने वापस जाकर मुसलमानों की ज़्यादतियों के मन घड़त अफसाने लोगों को सुनाने शुरू कर दिए ताकि इनके मजहबी जज्बात को उभारा जा सके। ईसाई दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक हिस्से का ताल्लुक यूरोप के मगरबी कलीसा से था जिसका मरकज रोम था, दूसरा मशरकी या यूनानी कलीसा जिसका मरकज कस्तुनतुनिया था। दोनों चर्चों के मानने वाले एक दूसरे के मुखालिफ थे। रोम के पोप की एक अरसा से ये ख्वाहिश थी के मशरकी बाज़ंतीनी कलीसा की सरबराही भी इससे हासिल हो जाए और वो सारी ईसाई दुनिया का रूहानी और मजहबी पेशवा बन जाए। इस्लाम दुश्मनी के अलावा अपने इन ज़ाती अज़ायम को पूरा करने के लिए इसने ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया के ईसाई बैतुलमक़दस को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए उठ खड़े हों। जो इस जंग में मारा जाएगा वो जन्नत का हकदार होगा, इसके सब गुनाह धुल जाएंगे और फतह के बाद जो मालो ज़र हासिल होगा वो इनमें तकसीम कर दिया जाएगा। लिहाजा ईसाई दुनिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ दीवानावार उठ खड़ी हुई। इसके अलावा पोप अरबन सानी मगरबी यूरोप के कलीसा का सरबराह था, वो बड़ा जहपरस्त और जंग बाज मजहबी रहनुमा था। यूरोप के हुक्मरानों में इसका विकार कम हो चुका था। अपनी साख बहाल करने के लिए इसने ईसाइयों में मजहबी जंगी जुनून का फैलाना शुरू किया और वो अपनी और चर्च की बालादस्ती और गिरफ्त मजबूत रखने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुकद्दस जंग को कारगर और मुफीद मंसूबा समझता था। सलेबी जंगों के सियासी असबाब क्या थे वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक कॉज ये थी कि मुस्लिम हुकूमतों में जवाल के आसार जो थे वो नमूदार हो रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी कॉज बनी। साकर इस्लाम ने अपने अरूज के ज़माना में बड़ी बड़ी सल्तनतें ज़ेरो ज़बर कर दी थी। अफ्रीका, एशिया, जज़ायर बहिरा रूम, सिसली और कब्रस वगैरह, और स्पेन, पुर्तगाल, सब इन
के ज़ेर नगीन थे। अब 11वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया की हालत कुछ बदल चुकी थी। मिस्र में उबैदी सल्तनत रूबा जवाल थी। सिसली में मुसलमानों का इकतदार कमज़ोर हो चुका था, जिसकी वजह से बहिरे रोम के ईसाई जोर पकड़ते जा रहे थे। स्पेन में अगर यूसुफ बिन ताशफीन मैदान अमल में ना आता तो स्पेन से मुसलमानों का अखराज बहुत पहले मुकम्मल हो चुका होता। सलेबी जंगें मुसलमानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की एक कोशिश थी, जिसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो शरीक थे। इसके अलावा तुर्कों का अरूज ईसाइयों के लिए चूंकि ख़तरा था, तो ये भी एक कॉज बनी, पॉलिटिकल कॉज जो थी सलेबी जंगों की। सलाजका का दौर मुसलमानों के अरूज का आखिरी शानदार बाब है। उन्होंने एशियाई कोचक के तमाम इलाके फतह करके कस्तुनतुनिया की फतह के लिए राहें खोल दी थी। और अगर मलिक शाह सलजूकी के बाद कोई नामवर हुक्मरान तख्त नशीन होता तो शायद कस्तुनतुनिया की तस्खीर शर्मिंदा ताबीर हो जाती। कस्तुनतुनिया ईसाई यूरोप पर इस्लामी यलगार को रोकने के लिए आखिरी हिसार का काम दे रहा था। लिहाजा सलजूकियों की कुव्वत से खौफजदा होकर बाज़ंतीनी हुक्मरान माइकल डोक्स ने 1094 AD में मगरबी मुल्कों को तुर्कों के इस बढ़ते हुए सैलाब की तरफ मुतवज्जो किया और उनसे इमदाद तलब की। चुनाचे सारी ईसाई दुनिया ने इसकी जो ये रिक्वेस्ट थी उसको फौरन एक्सेप्ट किया और प्रैक्टिकली मैदान में आ गए, और देखते ही देखते इनका एक सैलाब सरजमीन इस्लाम की तरफ उमड़ आया। इसके अलावा जो और पॉलिटिकल कॉजेज थी उसमें यह था कि पोप ऑफ रोम की अपनी गिरफ्त को मजबूत तर करने की जो कोशिश थी, और मशरकी इलाकों में मकबूलियत हासिल करने की ख्वाहिश, और मशरकी कलीसा पर मुसलमानों की पेशकदमी के खौफ ने दोनों हरीफों को एक दूसरे से करीब तर कर दिया था, और दोनों कलीसाओं ने मुत्तहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद मुकद्दस में हिस्सा लेने का डिसीजन किया। और मुसलमान हुक्मरानों में इतिहाद का जो फुकदान था वो भी एक बहुत बड़ी कॉज बनी। इस आलमी इस्लाम में बाहमी इतिहाद का फुकदान था। बगदाद की अब्बासी और मिस्र की फातिमी खिलाफत दोनों की गिरफ्त ढीली थी, और मशरक में सलजूकी और मगरब में अंदलस हुक्मरान इंतशार का शिकार थे, और मुसलमानों के दरमियान बाहमी इश्तराक की कोई सूरत मौजूद ना थी। सलेबियों के लिए इससे बेहतर मौके जो थे वो मुयस्सर नहीं थे, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और इस तरह से ये सलेबी जंगें जो है वो उनका आगाज़ हुआ। अब हम इसके मुआशरती असबाब डिस्कस करेंगे कि इसके सोशल जो कॉजेस थी वो क्या थे। यूरोप मुआशरती लिहाज से मुसलमानों के मुकाबला में बहुत बैकवर्ड था, पसमानदा था। समाजी और मुआशरती नुक्ते नज़र से मसावात, अखुवत और अदल व इंसाफ के जिन असूलों को मुसलमानों ने अपने यहाँ राइज कर रखा था, यूरोप का ईसाई माशरा अभी तक इनसे महरूम था। गरीब और नादार लोग तरह तरह की पाबंदियों में जकड़े हुए थे। यूरोप में जागीरदाराना निज़ाम अपनी पूरी खबासतों के साथ जलवा गर था। बादशाह जागीरदारों ही के तावन से हुकूमत करते थे, और मजहबी रहनुमा भी इनके अतियात के मोहताज थे। पिसे हुए गरीब अवाम जज्बे नफ़रत व मायूसी का शिकार थे। जागीरदारों और मजहबी परहोतों ने नहायत तैयारी के साथ इस मुनाफरत को का रुख दुनिया इस्लाम की तरफ मोड़ दिया, और मुकद्दस जहाद ही को इनके मसाइल का हल करार दिया। इखलाकी लिहाज से भी अवाम की हालत अच्छी ना थी। जराइम हो रहे थे और जराइम पेशा लोग अवाम को लूट रहे थे। यूरोप के मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने इन जराइम पेशा लोगों को जिहाद मुकद्दस के नाम पर इस्लामी ममालिक में खेल खेलने की दावत दी।
چنانچہ ان لڑائیوں میں رضاکاروں کی معتبہ تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے اور یونانی حسن کی لطافتوں کے لمس کی خاطر اس سفر میں شامل ہوئے تھے۔ اور مشہور فرانسیسی مورخ جو ہے ہسٹورین لیبان، وہ لکھتا ہے کہ اس دور کے معاشرہ کی صحیح اس کا جو بیان ہے نا، وہ عکاسی کرتا ہے کہ جنت ملنے کے علاوہ ہر شخص کو اس میں حصول مال کا ذریعہ بھی نظر آتا تھا۔ کاشتکار جو زمیندار کے غلام تھے، وہ افراد خاندان جو قانون کی روح سے وراثت سے محروم تھے، وہ امراض جن کو جائیداد کا حصہ کم ملا تھا اور جن کی خواہش تھی کہ وہ دولت کمائیں، اور وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی سختیوں سے تنگ تھے، اگر اس کے جتنے بھی مفلوق الحال اور محروم وراثت اشخاص جن کی بہت بڑی تعداد تھی اس مقدس گروہ میں شریک تھے۔ گویا ان مذہبی رہنماؤں نے اپنی عیاشانہ زندگی کو چھپانے کی خاطر عوام کی توجہ ان معاشرتی برائیوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ صلیبی جنگوں کے معاشی اسباب کیا تھے، وہ اب ہم ڈسکس کریں گے۔ اسلامی دنیا کی خوشحالی اور دولت و ثروت کے چرچے یورپ میں عام تھے۔ یورپ ابھی تک خوشحالی کی ان منازل تک نہ پہنچ سکا تھا جن کا مشاہدہ مشرق کی اسلامی سلطنتیں کر چکی تھیں۔ لہٰذا یورپ کے وہ تمام عناصر جنہیں حصول زر کے ذرائع یورپ میں میسر نہ تھے، اپنی قسمت آزمائی کے لیے اس مذہبی مہم میں شامل ہو گئے۔ ان کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور مال و دولت کے جمع کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کی تصدیق صلیبیوں کے اس طرز عمل سے ہوتی ہے جو انہوں نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے عیسائی باشندوں کے ساتھ روا رکھا۔ اس کے علاوہ یورپ کے نظام حکومت میں جاگیرداری نظام کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ معاشی نظام میں اس کی خرابیاں ظاہر ہو چکی تھیں۔ دولت کے تمام ذرائع پر امراء، اہل کلیسا اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ عوام مفلوق الحال تھے۔ کاشتکاروں کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ چنانچہ مذہبی طبقہ نے مذہب کی آڑ میں عوامی رد عمل کو روکنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں کی توجہ ملک کے معاشی مسائل سے ہٹی رہے۔ اس کے علاوہ قانون وراثت کے تحت محروم افراد نے بھی محض زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش کے تحت اس کو ہوا دی۔ اس کے علاوہ فلسطین اور شام پر قبضہ کرنے کے بعد اٹلی کے باشندے مشرق و مغرب کے درمیان تجارت پر سابقہ تجارتی اجارہ داری کو بحال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسلامی غلبہ ہی کی بدولت اطالوی تاجروں کی تجارتی اجارہ داری ختم ہوئی تھی۔ لہٰذا ان کا خیال تھا کہ اگر صلیبی جنگوں کی بنا پر فلسطین اور شام کا علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا جائے تو یورپ کی معاشی حالت سدھر سکتی ہے اور ان کو درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو امیجیٹ کاز تھی، امیجیٹ ریزن، فوری جو وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ پوپ اربن دوم کا نے فتوی جہاد دیا۔ فرانسیسی سینٹ پیٹر دی ہرمٹ جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضہ کو بری طرح محسوس کیا۔ یورپ واپس جا کر عیسائیوں کی حالت زار کے جھوٹے سچے قصے کہانیاں پیش کیں اور اس سلسلہ میں سارے یورپ کا دورہ کیا۔ پیٹر دی ہرمٹ کے اس دورہ نے لوگوں کے اندر مذہبی دیوانگی کی سی کیفیت پیدا کر دی، لیکن بدقسمتی سے اس راہب نے زائرین کی سیاہ کاریوں کے بارے میں مکمل خاموشی برتی۔ چونکہ پوپ چونکہ مغربی کلیسا کا روحانی پیشوا تھا، اس لیے اس نے مختلف مذہبی فرقوں کو ملا کے ایک کونسل بلائی اور اس کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کو اس بات کی بشارت دی کہ جو بھی اس مقدس جنگ میں مارا جائے گا، اس کے ہر قسم کے گناہ
मुआफ़ हो जाएंगे और वो जन्नत का हकदार होगा। तो लोग जोग दर जोग सेंट पीटर की क़यादत में फ़लस्तीन पर चढ़ाई की गर्ज से रवाना होंगे।